नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपकी आगामी UPSC के द्वारा जो आयोजित की गई थी लोअर की परीक्षा, उसकी जो मुख्य परीक्षा आपकी प्रस्तावित है, उसी मुख्य परीक्षा में जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका दिया हुआ आपके कुछ संभाग हैं, अंतर्वैयक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। वैसे तो ये मनोविज्ञान का आपका जो है टॉपिक होता है, लेकिन आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे या व्यक्तिगत जीवन में भी इन सभी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप जो है मुख्य परीक्षा दे रहे या नहीं दे रहे, लेकिन आप अगर इस पूरे व्याख्यान को ढंग से देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद में पॉजिटिव जो है बनाने को लेकर के एक विश्वास बढ़ेगा, एक अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ये सभी के लिए एक तौर पर व्याख्यान है, और हालांकि जिनकी मुख्य परीक्षा लगी है उन सभी के लिए तो आपका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इनसे आपके सवाल पूछे जाएंगे। आज मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, किसी दिन इन सारे आपके बिंदुओं से संबंधित आपके जो मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है UPSC CSAT के अंतर्गत पूछा जाता है। ये टॉपिक अगर देखा जाए UPSC CSAT के अंतर्गत है, हालांकि CSAT के लिए मैं आपसे जो है अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जो CSAT का आपका पूरा टॉपिक है इस पर एक वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा, ठीक है। आज मैं ये मुख्य रूप से लोअर की परीक्षा, तो जिन्हें आगामी आपका 24 अक्टूबर को ये प्रारंभिक परीक्षा देनी है वो लोग भी देख सकते हैं, और जिनको कोई भी परीक्षा देनी है ये सभी बिंदु आपके बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अंतर्वैयक्तिक क्षमता पर, फिर संप्रेषण कौशल पर कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, फिर निर्णय क्षमता की बात करेंगे, उसके बाद समस्या समाधान पर कौन सी चुनौतियाँ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें किसी समस्या के समाधान पर बढ़ना चाहिए, इन सभी पर हम लोग बहुत अच्छे से बातें करेंगे। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझ में बहुत कुछ आएगा। अंतर्वैयक्तिक क्षमता, सबसे पहले बात होती है कि इंटरपर्सनल एफिशिएंसी होती क्या है। हम में ये कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, ठीक है, मानव में कुछ ऐसे गुण होते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी और समाज में जब हम रहते हैं तो बिना एक दूसरे की भावनाएं समझे तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि समाज में हम एक समूह में रहते हैं और उन समूहों में हमारे विचार एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं, और उन विचारों की जब हम बात करते हैं तो जब दूसरे की भावनाओं को समझकर पारस्परिक तालमेल स्थापित करने की जो योग्यता होती है, इसी को अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक क्षमता। दूसरे की भावना को समझें, हम दूसरे की भावना को समझते हैं और उसकी भावना को समझकर आपस में तालमेल बिठाते हैं। जैसे किसी ने कहा कि भैया मान लीजिए आप क्रेता हैं और जो है दूसरा व्यक्ति विक्रेता है, आप फल खरीदने के लिए गए हैं, तो जब आप उससे बोलेंगे कि हाँ भैया मुझे केला चाहिए, मुझे सेब चाहिए, मुझे अनार चाहिए, मुझे पपीता चाहिए, तो वो आपकी भावना को समझेगा कि हाँ आप मुझसे सामान लेना चाह रहे हैं। तो वहां पर एक दूसरे के मध्य कम्युनिकेशन होता है और एक दूसरे की भावना को समझकर फिर तालमेल आपस में बैठता है, और तालमेल जो स्थापित होता है इसी योग्यता को हम लोग अंतर्वैयक्तिक क्षमता के अंतर्गत जानते हैं और अंतर्वैयक्तिक क्षमता के तौर पर इसको परिभाषित करते हैं। रही बात अंतर्वैयक्तिक क्षमता की, तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता किसी भी संगठनात्मक परिवेश में, जैसे आप सभी लोग लोअर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप एक संगठन में काम करेंगे, एक अधिकारी के तौर पर काम करेंगे, और अधिकारी के तौर पर जब आप काम करने जाएंगे तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग होंगे, आपके ऊपर बहुत सारे लोग होंगे, तो आपके नीचे भी व्यक्तियों से कैसे आपको जो है संबंध बनाए रखना है, उनकी बातों को कैसे समझना, अपनी बातों को कैसे समझाना है, और पारस्परिक तालमेल के द्वारा ही कोई संगठन सफलता के शीर्ष पर पहुंचता है, कोई भी कार्य संपन्न होता है। तो जब हम बात करते हैं किसी संगठनात्मक परिवेश की, ठीक है, उसमें अगर सफलता हासिल करनी है तो उसमें सफलता हासिल करने की एक प्रमुख कसौटी क्या होती है, वो होती है अंतर्वैयक्तिक क्षमता। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ, जो आपसे सीनियर हैं, समान हैं आपके जो कलीग्स हैं या अधीनस्थ हैं, इनके साथ प्रभावी पारस्परिक व्यवहार स्थापित कर सकता है। आपको अपने छोटे कर्मचारियों के साथ भी अच्छा संबंध बनाना है, आपके सीनियर्स हैं उनके साथ भी, और आपके जो अधिकारी वर्ग में आपकी कैटेगरी के अंतर्गत, जैसे आप ग्रुप बी की पोस्ट पर हैं तो ग्रुप में कई बी में ही आपके कई अन्य कलीग्स होंगे, उनके साथ कैसे रिलेशन बना के रखना है, ये सारी चीजें हमें अंतर्वैयक्तिक क्षमता ही बताती है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं को निरंतर अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। कौन सा तरीका है? अगर आप निरंतर अभ्यास करें, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई व्यक्ति अगर ग्रुप ए की पोस्ट पर है तो उसमें ये चीजें अपने आप पैदा होती हैं। व्यक्तियों का स्वभाव बहुत अलग अलग होता है,
हम ही आपसे क्या होता है कि जैसे किसी चीज से कोई चीज मांगनी हो किसी व्यक्ति से तो बहुत सारे लोग नहीं मांग सकते। कई लोगों को देखकर आप हैरान रह जाते हैं यार कि इसको तो कोई चीज कहनी है तो कुछ समझता ही नहीं। कई लोग किसी बात को कोई सत्य बात है किसी के मुंह पर सीधे तरीके से बोलने से थोड़ा सा भगते हैं। कई लोग मुंह पर चाहे जैसी बात है सीधा बोल देते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं अपने अंदर कैसे किस क्वालिटी को डेवलप करना है ये चीजें आपको अभ्यास ही सिखा सकते हैं। आप जितना ज्यादा जो है अभ्यास करेंगे वो चीजें आप में उतनी ही बेहतर बनती चली जाती है। अब अधिकारी वर्ग के तौर पर तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी काम को अपने छोटे अधिकारियों से नहीं कह सकते, उसकी रिपोर्ट नहीं मांग सकते, उस पर समय पर ना होने पर उन्हें डांट नहीं सकते, ठीक है, उन्हें चेतावनी नहीं दे सकते, तो आप कार्य नहीं करा पाएंगे, संगठन आपका सही से काम नहीं करेगा। तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आपकी जो है गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी में अगर आपके अंडर में कार्य करने वाले हैं, साथ में काम करने वाले हैं, आपसे ऊपर काम करने वाले हैं, तो सभी के साथ अगर आपको एक अच्छा संबंध बनाना है तो आपको कुछ ऐसे जो है अपने अंदर गुण विकसित करने पड़ेंगे जो कि इंटरपर्सनल जो है स्किल के अंतर्गत होते हैं, एफिशिएंसी के अंतर्गत होते हैं। अंतर्व्यक्तिक क्षमताओं के प्रयोग से संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के तो हम आप हो नहीं सकते। कम्युनिकेशन अभी आगे हम बात करेंगे संप्रेषण की, जो हमने बात की कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण संचार है, ठीक है, अभी आगे इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल को हम प्रभावी नहीं बना सकते हैं अगर आपके अंदर वैयक्तिक क्षमताएं नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं बना सकते। आप अपना काम नहीं निकाल सकते हैं, काम किसी से नहीं करवा सकते हैं। अगर आपके अंदर यह क्षमता नहीं है तो आप काम अपना किसी से और व्यक्ति से नहीं करवा पाएंगे। रही बात है इसमें अंतर्व्यक्तिक क्षमता के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का विश्लेषण करना, नियंत्रण करना, निर्देशन आदि किया जा सकता है। अगर ये चीजें हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का कैसे विश्लेषण करना है, उन पर कैसे नियंत्रण करना है, उनको आपको कैसे कराना है, उन पर कैसे आगे के काम होने हैं यानी डायरेक्ट करना है, निर्देश देना है, तो ये सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत होती हैं, सब की सब चीजें आपकी इंटर जो आपका पर्सनल स्किल होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसके अंतर्गत ही संभव होती है। अब इसमें अगर हम बात करें किसी भी संगठनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करने, अधीनस्थों को प्रेरित करने, जाहिर सी बात है आप अधिकारी के तौर पर जा रहे तो आपके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी वर्ग होंगे, तो इन सभी को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, परिस्थिति जनित चुनौतियों का विश्लेषण कर उपयुक्त समाधान खोजने, यानी यहां समस्या समाधान आपके भी पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, तो कोई भी जब आपकी चुनौती होगी तो उसके समस्या की के समाधान की हेतु हमें बढ़ना ही बढ़ना पड़ता है और उनको क्रियान्वित करने में अंतर्वैयक्तिक क्षमताओं का होना आवश्यक है, यानी इंटरपर्सनल जो आपकी इफिशियंसी है ये हर एक चीजों में मैटर करती है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम आपकी कैसी है, उसका जो है मुख्य जड़ क्या है, मूलभूत समस्या क्या है, समस्या में क्या प्रभावी तरीका होना चाहिए और उस पर फिर कार्य कराने के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपके अंदर इंटरपर्सनल इफिशियंसी होना बहुत आवश्यक होता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं अंतर्व्यक्तिक क्षमताएं प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास में सहायक होती हैं, जैसे यहां से प्रश्न आपका पूछा जाता है अंतर्व्यक्तिक क्षमताएं क्या हमारे अंदर पैदा करती हैं, तो हमारे अंदर प्रबंधन की क्षमता आती है, मैनेजमेंट की जो है क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ नेतृत्व विकास हमें बढ़ता है, एक लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर जनरेट होती है और ये चीजें कहां से आती है, ये आती है इंटरपर्सनल इफिशियंसी से। अब हम बात करते हैं संप्रेषण या संचार की, वो तो एक परिभाषा हो गई, अब मुख्य तौर पर आपकी क्या है, कहां से विकसित होती है, विकसित होती है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन यानी संचार, जिसमें जैसे मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं तो ये भी एक संचार का माध्यम है, भले ही आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे, ठीक है, तमाम चीजें आप देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, मोटिवेशन लेक्चर्स देखते हैं, सब्जेक्टिव लेक्चर्स देखते हैं, तो ये संचार के माध्यम के तौर पर आप में और हम में क्या होता है, आप में और हम में ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। जब यहां पर हम आगे बात करते हैं तो आगे जो चीजें आपकी निकल के आती हैं वो ये होती हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने विचार और भावनाओं को अभिव्यक्ति करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए संप्रेषण पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। हमें अपने विचार, अपनी थिंकिंग को दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों के थिंकिंग को जानना है, तो बिना बातचीत के तो संभव है नहीं, हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन का तरीका निकालना पड़ेगा। भले ही बातचीत आपकी शाब्दिक तौर पर ना हो, हम संकेतों में भी पूछ लेते हैं, तो बातचीत भी कई तरीके से होती है, लेकिन बिना संचार के कुछ भी संभव नहीं है, बिना संचार के कोई भी बात संभव नहीं होती है। दूसरे शब्दों में अगर संप्रेषण को परिभाषित करें तो संप्रेषण मनुष्य की
अनिवार्य आवश्यकता और उसके सामाजिक जीवन का आधार भी है। मनुष्य की अनिवार्य, भाई बिना अगर व्यक्ति बातचीत नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो आप समझिए फिर वो अपनी भावनाओं को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकता है। कोई माध्यम ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। जैसे जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो संकेतों के माध्यम से समझाते हैं। अब कोई संकेत भी ना कर पाए, बोल भी ना पाए, कोमा की अवस्था में हो जाए, तो हम उसकी बात को तो समझ नहीं सकते, ठीक है। सामाजिक व्यवहार, अब हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें समाज में रहना है और समाज में एक दूसरे के साथ संबंध हमारे बनेंगे, तो संबंध हमारे व्यवहार के अनुरूप होंगे। संबंध में व्यवहार बहुत मायने रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इगोइस्ट आपको होते हैं, सो ऑफ वाले नेचर होते हैं, उनसे कई लोगों की नहीं पड़ती है। तो व्यवहार एक बहुत बड़ा मायना रखता है सामाजिक संबंधों में, हमारे आपसी संबंधों में। तो सामाजिक व्यवहार के लिए मनुष्य को एक दूसरे से संवाद स्थापित करना पड़ता है और इसीलिए संप्रेषण द्वारा ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया संभव बनती है। संप्रेषण ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ह्यूमंस के, हम मानवों के क्या होते हैं, हम मानवों के जो आपसी संबंध होते हैं, आपसी विचार होते हैं, एक दूसरे तक हमारी भावनाओं का पहुंचना होता है, वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। बिना कम्युनिकेशन के कोई ऐसा तरीका नहीं जहां से हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचा सके। ऐसा तो है ना कि हमने मन में अपने सोचा कि मैं इस व्यक्ति को बुला रहा हूं और उस व्यक्ति के मन में ख्याल आ जाए, ऋषि मुनियों वाली तो चीजें हैं नहीं, ठीक है। तो इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना संप्रेषण के अगर हम बात करें तो बिना संप्रेषण के मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे मैं, भले ही आप लोग मेरे समक्ष नहीं है, लेकिन मैं जहां से भी हूं संस्थान से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपनी बातों को, अपनी चीजों को आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं। कोई भी आपके विभिन्न मुद्दों पर मोटिवेशन वीडियोज होते हैं, अन्य वीडियोज होते हैं, तो ये सब आपको किसी ना किसी माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं आप तक। अपनी भावनाएं आप तक पहुंचना, आपकी भावनाएं हम तक पहुंचना, आप हमसे डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, वहां से भी तो आपके शाब्दिक शब्दों के द्वारा आपके हमसे संचार हो जाता है, हम रिप्लाई देते हैं। तो ये एक तरीका होता, बिना इसके तो मानव समाज की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। इसके बिना किसी भी प्रकार के समाज का निर्माण संभव नहीं है। हर एक, चाहे पशु हो चाहे प्राणी हो, सभी में कुछ ना कुछ संचार की आपसी क्या होती है, आपसी संचार की उनकी एक भाषा होती है, उनकी अपनी भाषा है, पशु पक्षियों की अपनी भाषा है, ठीक है। हर एक पशु पक्षी की अपनी भाषा होती है जिसे वो जानते और समझते हैं। हम मानो उनकी भाषा को नहीं समझते तो नहीं जान पाते हैं कि ये चीजें क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और हम आपसी भाषा को जानते हैं तो समझते हैं। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यहां से भी प्रश्न आपका पूछा गया है, बना है प्रश्न इस पर, संचार क्या है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक भी होती है। गत्यात्मक होती है, जटिल भी होती है और वैज्ञानिक होती है। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाते हैं, कोडेड संदेश भेजे जाते हैं, तो हर एक तरीके की होती है ना, जटिल भी होती है। अब कोडिंग करके जो आपकी भेजी जाएगी उसको जो डिकोड कर पाएगा वही समझ पाएगा इसका मतलब क्या है, इस संचार का मतलब क्या रहा। तो जो खुफिया आपकी सारी एजेंसियां होती हैं उनका जो आपका वार्तालाप होता है, संचार होता है, वो इसी माध्यम में होता है। अब उनको जो डिकोड कर पाएगा वही जान पाएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। हम लोगों के आगे तो वो काला अक्षर भैंस बराबर जैसे नजर आएगा। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है समुदाय। कम्युनिस का अर्थ क्या होता है, समुदाय। कम्युनिस प्लस कम्युनिकेयर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कम्युनिकेशन शब्द का निर्माण करते हैं। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है, यह भी प्रश्न आपका यहां से पूछा गया। संचार कैसी प्रक्रिया, एक रेखीय प्रक्रिया है। मैंने आप जो है कोई विचार मेरा रहा, मैंने बोला, आप तक गया, आपने सुना, आपके दिमाग में गया और हर एक चीजें वहां से स्पष्ट हो गई, ठीक है, वहां से हर एक चीज। तो ये एक रेखीय होती है, ये आपकी एक रेखीय प्रक्रिया होती है इस अनुसार, ठीक है। संचार को सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। जैसे आ कोई संदेश भेज रहा, बा उसे ग्रहण कर रहा, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, मैं जैसे प्रेषक हूं, सेंडर हूं, मेरा संदेश है, ठीक है, मैसेज है, आप प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या चल रहा, एक आपका लीनियर वे में चल रहा है, ठीक है, लीनियर वे में चल रहा, एक रेखीय होता है कि मैं भेजने वाला संदेश हूं, आप मेरा जो संदेश है वो आप तक मैंने भेजा, आपने ग्रहण किया, आप प्राप्त करता है, आप रिसीवर हैं,
तो ये एक रेखीय होता है। आप कोई चीज बोलेंगे तो मैं यहां पर क्या हो जाऊंगा, मैं प्राप्तकर्ता हो जाऊंगा, मैं रिसीवर हो जाऊंगा, ठीक है। आप सेंडर के तौर पर होंगे, आप अपनी बात को बोलेंगे, मैं अपनी बात को, तो एक से दूसरे में एक दिवसीय होता है, ठीक है। आपकी बात आप ही बोलेंगे, वो मुस्तक आएगी, मैं अपनी बात बोलूंगा वो आप तक जाएगी, मेरी बात आप नहीं बोल सकते ना कि मैं किसी भी जो है बिंदु पर कैसे विचार रखता हूं। संचार के मुख्य तत्व क्या क्या है, कम्युनिकेशन के आपके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो सबसे जरूरी चीज होती है स्रोत होना चाहिए, प्रेषक होना चाहिए, बिना इसके तो कोई बात बनेगी नहीं। सबसे जरूरी तत्व के तौर पर सोर्सेस या सेंडर, यहां से प्रश्न पूछ लेता है निम्न में से कौन सा तत्व आपका संचार का एक जो है मुख्य तत्व के तौर पर नहीं है, या निम्न में से कौन सा आपका संचार के एक तत्व के तौर पर शामिल है, ऐसे प्रश्न आपका बन जाता है। तो यहां पर हमें बात करनी है स्रोत या प्रेषक। संदेश भेजने वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं या सोर्स बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, संकेतन या एनकोडिंग, भेजने वाले संदेशों की प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना, ये क्या कहलाती है, ये संकेतन कहलाता है या एनकोडिंग कहलाता है। संदेश होता है, विचार होते हैं, विचार सूचना अनुभव तथा मौखिक या लिखित संदेश, जो भी जिस तरीके से दिया जा रहा, मौखिक संदेश दिया जा रहा बोल के या लिखित दिया जा रहा लिख कर आपको, ठीक है, चाहे मैसेज टाइप करके, ईमेल करके, प्रिंटेड फॉर्म में, किसी भी तरीके से पत्र लिखकर, तो वो चीजें आपकी क्या होती हैं, वो मैसेज होता है, संदेश होता है, माध्यम मीडियम। अब संदेश आप तक पहुंचाना है तो कोई ना कोई तरीका, जैसे आप मेरी बातों को सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप सारी चीजें एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें चलती, तो एक माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या होता है, वो साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है उसको माध्यम यानी मीडियम की संज्ञा दी जाती है। कूटानुवाद डिकोडिंग, जब आप उस बात को समझेंगे, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना, मैं जिस बात को कह रहा हूं, ठीक है, मैंने किसी बिंदु के बारे में कुछ सोचा कि अच्छा ये बिंदु है, तो मैं उस मैटर को आपको बता रहा हूं, तो मैंने सोचा जब, तो उसके बारे में कुछ शब्द मैंने पिरोया, उन शब्दों का आपको ज्ञान है तभी तो आप जानेंगे, आप उसका अर्थ समझेंगे कि अच्छा ये इन्होंने ऐसा कहा है, हाँ ये बात समझ में आई। तो ये चीजें क्या होती है, आप डिकोड करते हैं, मैं उसे इनकोड करता हूं, जो भेजने वाला होगा वो इनकोड करता कि अच्छा किसी भी बिंदु पर क्या क्या बोलना है मुझे, वो इनकोडिंग होगी। लेकिन जब आप तक पहुंच गया और आपने उसको किस अनुसार समझा, वो डिकोडिंग प्रक्रिया होती, वो क्या होती है, वो डिकोडिंग प्रक्रिया होती है, यानी कूटानुवाद आदमी किया। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है। अब जब आपको मिल गया तो मैंने पूछा समझ में आया, तो आप कहते हो हाँ सर आ गया, तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है। प्रतिपुष्ट संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, अंतिम चरण कौन सा होता है, फीडबैक। जब संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के जो है प्रतिक्रिया या जो है उसकी प्रतिक्रिया हो, तब वह प्रतिपुष्टि कहलाती है और प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक होती है। ये प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है, प्रतिपुष्ट संचार को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, आवश्यक है। इसके द्वारा जब आपको फीडबैक मिलेगा, नहीं सर जैसे क्लासेस हम लोग करते हैं तो क्लासेस में आपसे पूछते हैं जैसे क्लासेस कैसे लगे बताइएगा, तो आप लोग बताते हैं अच्छी है, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है, जब आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक विचार जा रहे, भावना जा रहे, उसको आपने समझा, आपको सही लगा, आप फीडबैक देते हैं, नहीं अच्छी चल रही है, सारी चीजें वेस्ट है, तो बिना फीडबैक के हम अगर संचार को बेहतर करना चाहें तो मुश्किल है। अगर कोई ना बोले कि नहीं ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें कैसी, तो वो चीजें जरूरी होती, लाजमी होती है। अगर आपको अपना संचार का माध्यम बेहतर करना है, संचार अपनी स्किल को ज्यादा बेहतर करनी है, तो फीडबैक सही। आप अपने दोस्त से बोलते हैं, अच्छा इस पॉइंट पर मेरा ऐसा व्यू है, मैं ऐसा बोलूं कैसा रहेगा, वो कहता हाँ सही है, सही बोल, ठीक है, ये चीजें सही है, सिलेक्टेड मेथड्स अच्छे थे, तो ये चीजें जरूरी होती है, इसलिए फीडबैक हमारा बहुत जरूरी। अब हम बात करते हैं नॉइज की, संचार से में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है, उसे शोर कहते हैं, नॉइज कहते हैं, ठीक है। ये चीजें पूरी की पूरी प्रक्रिया आपकी चल रही है, ठीक है, ये संचार की सारी चीजें आपको दिख रहा होगा। प्रेषक जो होगा, ठीक है, ये इनकोडिंग करता है, एक संकेतन के माध्यम से जो है संदेश तैयार करेगा, फिर एक माध्यम के द्वारा, ठीक है, आप तक जाएगा, आप उसको कूटानुवाद करेंगे, ठीक है, आप रिसीवर के तौर पर होंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, आप जो प्राप्तकर्ता आप तक पहुंची तो आप उसका फीडबैक देते हैं, किसको फीडबैक देंगे, आप फीडबैक देते हैं प्रेषक तक कि हाँ चीजें मुझ तक पहुंच गई हैं, अच्छी रही, काफी अच्छी रही। तो ये पूरी की पूरी आपकी एक प्रक्रिया चल रही, प्रेषक होगा वह इनकोडिंग करेगा, मैसेज तैयार करेगा,
एक माध्यम लेगा, फिर माध्यम में भी आपका क्या होता है, अब वो रिटेन कर रहा, ओरल कर रहा, जैसा भी है, डिकोडिंग उसकी होगी, फिर आप रिसीव करते हो। तो ये एक प्रक्रिया पूरी की पूरी चलती है, ये एक प्रक्रिया चलती है। अब यहां रिसीव करने का मतलब आपको समझ में आ गया, रिसीव करने का मतलब आपको समझ में आया। अब आपके मोबाइल फोन पर कोई मैसेज गया, आपको समझ में नहीं आया, आप कौन सा फीडबैक दोगे? ठीक है, आपकी ऐसी भाषा में मैसेज आ जाए जिसमें आपको जान ही नहीं पाओ, तो आप कोई फीडबैक देंगे? तो वही चीज होती है, पहले आप उस बात को समझते हैं कि अच्छा कहा क्या गया है, इस मैसेज में क्या जानकारी दी गई है। तो वहां से जब आप समझ पाते हैं, तो समझने के बाद अपना फीडबैक देते हैं। ठीक है, आप अपना फीडबैक देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक प्रक्रिया चलती है, किसमें? कम्युनिकेशन यानी संचार की ये पूरी आपकी प्रक्रिया होती है, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा। अगली चीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखिएगा जो है पीसीएस वाले सीसेट के पेपर में देखिए, ऐसे ही विकल्प ही उसने उठा के दे दिया, निम्न में से कौन सा संचार प्रक्रिया का जो है एक सही आपका तरीका है, ऐसे विकल्प के तौर पर उसने पूछ लिया है, ऐसे लाइन लगा के, एरो लगा करके। तो इसको जो है दिमाग में बना लीजिएगा। आगे अब इसमें हम बढ़ते हैं। संचार के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से संकेतन यानी इनकोडिंग और डिकोडिंग, इन दोनों के जुड़ने के कारण तत्वों की संख्या 8 हो जाती है। इनकोडिंग और डिकोडिंग, अब ये चीजें तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको बता रहा कोई चीजें तो आप भी भाई उन चीजों को समझ रहा, और मैं किसी बिंदु पर बोल रहा तो मैं भी समझ रहा, मैं समझ के बोल रहा और वो, तो इन दोनों को जब शामिल कर लेते हैं तो 8 बनते हैं, नहीं तो मुख्य तौर पर 6 ही चरण हैं इसके, संचार के 6 ही चरण होते हैं। ठीक है, संचार के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, आइए इसको समझते हैं, ढंग से समझिएगा, मजेदार टॉपिक है। मानव अपने जीवन में संचार से जुड़ा रहता है, वाणी, लेखन या संकेत के द्वारा विचार, अभिमत हो गए, किसी के ओपिनियन। ठीक है, जाहिर सी बात है विभिन्न हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कोई अपने किसी मत पर बोला, हम तमाम तरीके की वीडियोस देखते हैं, तो ये सभी के अभिमत होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, या संकेतों के जो है अथवा सूचना के विनियम को हम संचार कहते हैं। संचार की एक छोटी सी परिभाषा बनती है कि वाणी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, विचार के माध्यम से, अभिमत के माध्यम से, ठीक है, या फिर सूचना के विनिमय के माध्यम से जो चीजें हम तक प्राप्त होती हैं वो एक संचार कहलाती है। क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। और संचार की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान रहती है, संचार की प्रक्रिया निरंतर प्रवाहमान रहती है, हमेशा चलती रहती है। आपका मुझसे अगर संचार हो रहा तो एक दूसरे में हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जैसे अब इस समय आप ये चूंकि रिकॉर्डेड के फॉर्म में, तो आप सारी चीज अब लाइव होती तो आप भी बोलते रहते, हाँ सर ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, मैं यहां पर रिकॉर्डेड के तौर पर आपके सामने हूं, तो जाहिर सी बात है आप इसको पूरे व्याख्यान को देखने के बाद फिर अपनी जवाब देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, अपने समाज में मानव कहीं संचारक के रूप में संदेश संप्रेषित करता है, तो कहीं प्राप्तकर्ता के रूप में संदेश ग्रहण करता है। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार के विभिन्न रूप एवं प्रकार का विस्तृत विवेचन किया जाता है। अब आइए इन पर बढ़ते हैं। देखो, संप्रेषण जो आपका होता है, कम्युनिकेशन संचार, दो तरीके से होता है। संचार क्या होता है? दो तरीके, एक होता है शाब्दिक संचार, दूसरा होता है अशाब्दिक संचार। एक आप जैसे आप भाषा, लिखित भाषा, ठीक है, और एक अलिखित भाषा जिसको मौखिक बोलते हैं। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है, शाब्दिक संप्रेषण के दो भाग बनते हैं, एक आपका होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है लिखित। शाब्दिक संप्रेषण आपके मौखिक भी होते हैं, बोल दिया जाए शब्दों को, दूसरा है शब्दों को बोलने की बजाय लिख दिया जाए, व्हाट्सएप पर आपका लिख दिया जाए। अशाब्दिक संप्रेषण की जब हम बात करते हैं तो अशाब्दिक संप्रेषण में क्या चीजें आती हैं? एक तो अशाब्दिक में वाणी संकेत, वाणी संकेत के माध्यम से, दूसरी चीज जो है चक्षु संपर्क, मुख मुद्राएं, इन सब के माध्यम से। कोई पूछ रहा है चलना है तो आपने बना दिया, ठीक है, किसी ने कहा चाहिए, ठीक है, आपने मुंह बना दिया, कोई पूछा वहां चलोगे तो मुंह फुलाए बैठे हो। अब ये सब चीजें क्या है? आपके मुख की मुद्राएं हैं। ठीक है, कोई चीज तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो कोई समस्या है, ठीक है, तब आप नाक खुजला रहे, ठीक है, कुछ सोच रहे तो ऐसे सोच रहे, तो ये सब चीजें क्या होता है? ये मुख मुद्राएं हमारी, मुख मुद्राओं के द्वारा हम क्या करते हैं? मुख मुद्राओं के द्वारा भी हम अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं, अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है स्पर्श जो है संपर्क, स्पर्श संपर्क भी हम में होते हैं। ठीक है, आपको किसी को मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके इंतजार में खड़ा है, आप पहुंचे पीछे से, टच किया, ठीक है, दो बार ऐसे मारा, वो समझ गया कि चलना है। ठीक है, आपने किसी को बुलाना है तो आप शब्दों से ना बोलिए, मैसेज से ना बोलिए, आपने उंगली पकड़ ली, खींचा इधर आजा, ठीक है, वो समझ गया कि अच्छा तुम बुला रहे हो। तो कुछ आपके ऐसे होते हैं जो स्पर्श संपर्क होते हैं,
हमारे क्या होते हैं, छूने से संपर्क बनते हैं। तो ये चीजें आती हैं, ये अशाब्दिक संप्रेषण में है, ये शाब्दिक संप्रेषण में है। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक संप्रेषण और लिखित होता है, शब्दों को आप या बोल दीजिए या लिख दीजिए, लेकिन अशाब्दिक जो संप्रेषण है इसमें वाणी संकेत है, ठीक है, या फिर आप चक्षु संपर्क आंखों से, ठीक है, आपने इशारों से कर दिया, उसने भी बोल दिया, अब चीजें हो गई, ठीक है, या आपको सामने वाले को एक आंख हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, किसी से कोई बात करनी है, ठीक है, झूठ बुलवाना है, मैटर को दबाना है, तो हमने कर दिया, ठीक है, ये चीजें आती रहती हैं। मुख मुद्राएं हो गई, मुख मुद्राएं भी बहुत सारी होती हैं, ऐसे हो गए तो मतलब किसी बात पर सोच रहे, ठीक है, अब कोई चीज सोच रहे हो यार बड़ी दिक्कत है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नाक आप खुजला रहे हो लगातार, ठीक है, तो ये चीजें होती कि तुम किसी समस्या पर क्या कर रहे हो, तुम किसी समस्या पर ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है, आप किसी ने पूछा क्या हुआ तुम्हें, वहां तुम्हें कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने आंखें निकाल दी, मतलब आप असहमत जता रहे हो, तो ये सब आपके वैसे आईएएस की परीक्षाओं में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, मुख मुद्राओं से। आईएएस का जो आपका पेपर होता है सी सेट वाला, उसमें आप देखिए इन सब पर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा अंग किस चीज को निरूपित करता है, ठीक है, आइए अब इन चीजों पर और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार बात करूं तो मुख्य तौर पर चार तरीके के होते हैं, जैसे संचार के प्रकार ये लोगों की संख्या के आधार पर है। पहला होता है अंतःवैयक्तिक, ध्यान दीजिएगा ये अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों अलग अलग हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों के नाम होते हैं, तो जो अंतःवैयक्तिक है ये कहलाता है इंट्रापर्सनल और जो अंतर्वैयक्तिक है ये कहलाता है इंटरपर्सनल। संचार समूह ग्रुप कम्युनिकेशन आप करते हैं ना, ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं, तो ये संचार जो है समूह आपका कहलाता है। और उसके बाद जनसंचार मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसको आप मीडिया के तौर पर जानते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है, या बहुत बड़ी चीजों तक अपनी बात को पहुंचाना, तो ये चीजें आपकी संचार के प्रकार बनते हैं। संचार एक आप अंतःवैयक्तिक होता है, इंट्रापर्सनल जो खुद में सारी चीजें चलती रहती, किसी बात पर आप तर्क वितर्क कर रहे खुद से ही, ठीक है, एक अंतर्वैयक्तिक होता है इंटरपर्सनल होता है, अगला चीज है ग्रुप कम्युनिकेशन होती है। तो ये चारों होते क्या है इनको समझते हैं, क्योंकि इन पर प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संचार का एक निष्कर्ष है, ठीक है, समूह संचार की कौन सा आपका एक जो है समाधान मिलेगा। संचार किस लिए करते हैं, संचार इसीलिए तो करते हैं कि हमारी भावनाएं वहां तक पहुंची, कोई समस्या है तो समस्या के माध्यम में हमें समस्या समाधान के लिए भी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती। संचार के द्वारा निर्णय तभी तो डेवलप होगा जब आप अपनी बात किसी तक कहेंगे, तभी तो कोई राय दे पाएगा। कई लोग ऐसे हो तो जो खुद में ही अपनी बात को मथते रहते हैं, ठीक है, उसी में से वो निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसीलिए जो संचार के आपके तरीके होते हैं ये चार तरीके के होते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा वैसे चैप्टर आपका साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसको हम लोग अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं, और जो मनुष्य के चिंतन मनन और स्वसंचार पर आधारित है। हम स्वयं से किसी बिंदु पर सोचते रहते हैं यार ये अच्छा होगा बुरा होगा, ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है, इसको ऐसे कराना चाहिए, उससे बोलेंगे क्या होगा, मतलब जो आप स्वयं में चिंतन मनन करते रहते हैं, ये चीजें इंट्रापर्सनल स्किल के अंतर्गत आती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। और कुछ भी करने और कुछ भी कहने से पूर्व मन में विचार संवादों का रूप ले लेते हैं, कुछ भी करना है या कुछ भी कहना है, ठीक है, तो उससे पहले ही आपके जो है उस काम को करने से पहले ही आपके मन में क्या हो जाते हैं, विचार जन्म ले लेते हैं। और यह संचार मुख्यतः मानसिक स्तर पर होता है, आत्मविवेचन आत्मविश्लेषण तर्क वितर्क अंतर्द्वंद आदि इसी श्रेणी के संचार हैं। इनमें से पूछा जाता है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अंतःवैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, यहां पर जो सवाल आपका बनता है वो यही बनता है इससे कि यहां से आप सब आपका जो प्रश्न पूछेगा, जैसे निम्न में से कौन सा अंतःवैयक्तिक संचार का एक भाग है, ठीक है, ऐसे चार विकल्पों में से आपसे डाल देगा और वहां चार विकल्पों में से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। संचार के इस स्तर में प्रेषक यानी संचारक व प्राप्तकर्ता दोनों की भूमिका निर्वहन एक ही व्यक्ति करता है, दोनों की दोनों चीजें, जो संचारक है यानी प्रेषक है और जो प्राप्त करता है वो एक ही व्यक्ति हो रहा, हमारे अंदर ही वो चीजें क्या हो रही, हमारे अंदर ही चीजें वो बार बार अंतर्द्वंद में हम गुथे हुए हैं, उसी समस्या को सोच रहे हैं ऐसा किया जाए,
ऐसा ना किया जाए, ऐसा करें तो क्या हो, ऐसा ना करें तो क्या हो। तो ये चीजें जो होती हैं, ये तो आपके मुख्य तौर पर कहां होती हैं, या अंतःवैयक्तिक संवाद में होती हैं, अंतःवैयक्तिक संचार में होती है। अंतःवैयक्तिक यांत्रिक अंतरावैयक्तिक संचार के कुछ उदाहरण क्या क्या है, जैसे विद्यार्थी हमेशा अच्छे अंक पाने के लिए स्वयं से संचार करता है, इस बार ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा ऐसा पढ़ लिया ना पक्का बहुत जबरदस्त नंबर ले आऊंगा, नहीं इस बार ऐसा करते हैं, पिछली बार ऐसे किए थे तो ये हो गया, तमाम तरीके की वो योजनाएं स्वयं में बनाता रहता है। तो विद्यार्थियों का हमेशा अच्छे अंक की ओर बढ़ना, ये चीजें क्या है, ये अंतःवैयक्तिक संवाद का एक संचार का एक उदाहरण है। बेरोजगार व्यक्ति नौकरी पाने के लिए स्वयं से संचार करता रहता है, क्या चीजें करें, कहां पर फॉर्म डालें, अब कहां पर ट्राई करें, कौन सी चीजें करनी चाहिए। तो जो बेरोजगार व्यक्ति होगा वो अंतःवैयक्तिक संचार करता है, उसी में आपसी द्वंद में ही आपस में ही बात कर रहा है, हर एक चीजें कर रहा, तो वहां से चीजें आपकी क्या होती है, ये अंतःवैयक्तिक संचार कहलाती है। अगली चीज, भूखा व्यक्ति सदैव अपनी भूख मिटाने के लिए स्वयं से संचार करता है, ठीक है, हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं क्या चीजें मिल जाए, आप स्वयं से भूखे होते हैं, मान लीजिए घर में अकेले तब भी आपके मुंह से चीजें निकलती रहती है ना, यार कुछ मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां घर वाले, आप भूख मिटाने के लिए आप स्वयं से सोचिए, जब आप भूखे होते हैं घर में अकेले हैं, मान लीजिए सारे लोग घर में से चले गए हैं, तो आप बड़बड़ाते रहते हैं, पता नहीं कहां पर सारे लोग रख के चले जाते हैं सामान, ये है वो है। तो भूखा व्यक्ति हमेशा अंतःवैयक्तिक संवाद करेगा, खुद से सारी चीजें करता रहता है, ठीक है। शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता है, अरे ये क्या है, आएंगे एक हाथ झटक देंगे दूर गिरेंगे जाके, इनके जैसे लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो शारीरिक बलवान है वो हमेशा अपनी रसूख कायम करने के लिए दूसरों पर अपने प्रभुत्व जमाने के लिए स्वयं से संचार करता रहता है, ठीक है। अंतःवैयक्तिक जो संचार है इसके द्वारा मानव में नैतिक मूल्य, अभिवृत्ति, विश्वास इत्यादि का जन्म होता है। नैतिक मूल्यों का जन्म अंतःवैयक्तिक संचार से ही आता है। इंटरपर्सनल स्किल, आप बिना किसी मुद्दे पर जब तक सोचेंगे नहीं, अपने अंदर गहन विचार नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपके अंदर जो एक जो है नैतिक मूल्यों की बात होती है ये नहीं आएगी। अगर आपको किसी काम को करना है तो आप सोचते हैं यार ये इसके बारे में कोई क्या बोलेगा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो लोग क्या कहेंगे, आप तमाम तरीकों की चीजों को सोचते हैं ना। आप एक क्रम जो है कंपनी में काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिस में, आप अधिकारी के पद पर हैं, आप अपने दायित्वों से भाग रहे या दायित्वों के लिए मान लीजिए कुछ ऐसा काम कर रहे, दो नंबर तीन नंबर, ठीक है, तो वहां पर चीजें क्या हो रही है, आप स्वयं से सोचते हैं यार ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत है, इसके लिए मुझे सैलरी मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं, मतलब आप स्वयं से सोचते हैं, आप अपने काम के प्रति ईमानदार बनते हैं। ये चीजें आप में क्या एक नैतिक मूल्यों का जन्म देता है, क्या अंतःवैयक्तिक संचार, जो अंतःवैयक्तिक संचार होता है, इंट्रापर्सनल स्किल अब वो कम्युनिकेशन होता है, यह स्वयं में आपको एक सबसे बेस्ट चीज देती है, एक तो अभिवृत्ति की चीजें, ठीक है, ये भी आपके अंदर आती है, और साथ ही साथ नैतिक मूल्य बढ़ते हैं और विश्वास आपका बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके का संचार, दूसरे तरीके का होता है इंटरपर्सनल, पहला क्या था इंट्रापर्सनल, अब हम पढ़ रहे हैं इंटर जो है पर्सनल, ये क्या है अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक अंतरवैयक्तिक संचार के लिए हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का परस्पर संचार है। जब आप जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, दो दोस्तों से बात कर रहे हैं, कई लोगों से बात कर रहे हैं, दो मिनिमम होने चाहिए, दो से अधिक हो तब भी ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। ये संचार दो तरफा प्रक्रिया है, ये संचार की दो तरफा प्रक्रिया है, और इसमें संचार को त्वरित गति से फीडबैक मिलने लगता है। जैसे आप दोस्त के सामने बोले तुरंत वो बोलेगा, आप किसी मुद्दे पर टिप्पणी दे रहे वो तुरंत कहेगा नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, तो इस पर तुरंत फीडबैक मिलने लगता है इस पर। लेकिन जो आपके पहला वाला संचार हमने पढ़ा इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल तो आप स्वयं में गुथ रहे हैं, वो एक तरफा ये मतलब प्रेषक भी आप हैं, प्राप्तकर्ता भी आप हैं, दोनों चीजें आप ही के अंदर है, ठीक है। यहां पर दो व्यक्ति होते हैं, मिनिमम दो आपके होंगे, और आपको फीडबैक जो होता है वो तुरंत मिल जाता है, फीडबैक यहां पर तुरंत मिल जाता है, त्वरित मिलता है, और इस द्वारा साक्षात्कार, कार्यालय, वार्तालाप, समाचार संकलन इत्यादि अंतरवैयक्तिक संचार का उदाहरण है। ये सब क्या है, ये अंतरवैयक्तिक। अब आप अधिकारी के तौर पर जाएंगे कार्यालय में तो आपके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी होना चाहिए, अंतरवैयक्तिक भी होना चाहिए और अंतरवैयक्तिक भी होना चाहिए, आप में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अंतरवैयक्तिक सामाजिक संबंधों का आधार है। अगर हम सामाजिक संबंध की बात करें, यार कोई भी चीज मैं अपने अंदर रखूं, जैसे अंतरवैयक्तिक की बात की, अब व्यक्ति अपने ही अंदर सारी चीजों को रख रहा, किसी से कुछ नहीं बता रहा, तो क्या दूसरा व्यक्ति उसे समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति उसके करीब आ सकता, कभी नहीं हो सकता।
अगर मानवीय समाज की बात करें, हम अपने सामाजिक मूल्यों की बात करें, समाज के संबंधों की बात करें, तो उसमें जब तक आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं देते हैं, तब तक दूसरे के साथ संबंध की प्रगाढ़ता हम समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अंतर जो आपका व्यक्तिक आपका जो है संचार होता है, यह सामाजिक संबंधों का आधार है। सामाजिक संबंध इसी के आधार पर बनते हैं। इस संचार के लिए केवल दो लोगों की उपस्थिति ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि उनके मध्य परस्पर अंतःक्रिया का होना भी जरूरी है। उनके मध्य में परस्पर अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दो लोग बैठे हैं बातचीत नहीं कर रहे, चेयर पर अगल बगल आप बैठे हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो क्या इसके द्वारा हमारे संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। एक दूसरे में, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके सामने आपका, आपके बगल में आपका कलीग बैठा है, तो अब आपके बगल में कलीग बैठा है, आपके नीचे काम करने वाले सामने बैठे हुए हैं, ऑफिस में आपके दरबार जो है पीयून वगैरह हैं और निचले कर्मचारी हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप उनसे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आपके संबंध बने हुए नहीं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए इंटरपर्सनल जो आपका कम्युनिकेशन होता है, ये ऑफिस वगैरह में बहुत मायने रखता है और ये चीजें होनी भी चाहिए। दूरभाष पर आप वार्तालाप कर रहे, ईमेल पर कर रहे, या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बातचीत कर रहे, चैटिंग कर रहे, अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत है। ये सभी के सभी किसके उदाहरण है? ये सभी के सभी अंतर्वैयक्तिक संचार के उदाहरण है, इंटरपर्सनल स्किल कहलाते हैं, क्योंकि इसमें दो लोग हैं। आप इधर से बोल रहे, उधर से आपको जवाब मिल रहा, तो इसमें आपके क्या होते हैं? ये सब दो लोगों का संचार है, इसीलिए अंतर्वैयक्तिक है। और अंतर्वैयक्तिक संचार भी आपके दो प्रकार के बनते हैं। एक तो होता है शाब्दिक संचार, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है अशाब्दिक, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक क्या होता है आपका? शाब्दिक संचार, दूसरा अशाब्दिक होता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संचार होता है, इसमें आपका ओरल होता है और रिटेन होता है। जो अशाब्दिक संचार होता है, ठीक है, इसमें शारीरिक हाव भाव एवं संकेतों के माध्यम से किया गया संचार, ठीक है, संचार का सबसे प्रभावी माध्यम। ठीक है, अब आपको किसी को करे रुको, ठीक है, आप कोई जा रहा है पूछ रहा चलना है, तो आप बोल दिए दो मिनट रुको आ रहे हैं, ठीक है, तो यह सबसे प्रभावी तरीका है, आपने बता दिया वो समझ गया। दूसरी चीज, जो आपका लिखित और मौखिक होता है, सेमिनार हो गया, संगोष्ठी और कार्यशाला, इन सभी में मौखिक संचार आपका आता है। और जब हम बात करते हैं रिटर्न की, तो पत्र अथवा तार, फैक्स, ईमेल, ये सब आपके रिटर्न होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? रिटर्न। हालांकि सोशल मीडिया पर भी आप रिटर्न ही, अब उसमें तो मौखिक भी आप कर सकते हैं, मुंह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो आपका अशाब्दिक संचार होता है, यह संचार का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। अशाब्दिक संचार यानी आप लैंग्वेज बॉडी अपने पार्ट के माध्यम से दर्शा रहे हैं, संचार कर रहे हैं, ठीक है, तो यह चीजें होता है। किसी ने पूछा खाना है, कुछ सर हिला दिया आपने, चलना है वहां, अब यह चीज हो रही है, ठीक है, तो यह सबसे प्रभावी तरीका होता है मौखिक संचार। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, जब कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित की जाती है, तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। इससे केवल दो पक्ष होते हैं, इसमें जो पक्ष बनते हैं वो दो पक्ष होते हैं, एक तो प्रेषक, दूसरा संदेश प्राप्त करता, एक रिसीवर होगा, एक सेंडर होता है, दो ही लोग तो होंगे इसमें। और मौखिक संचार के द्वारा ही मानवीय व सामाजिक संबंध की स्थापना की जाती है, जाहिर सी बात है, मौखिक संबंध होंगे तभी पर। और इस संचार में वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना हो गई, समूह चर्चा हो गई, भाषण हो गया, अंगूरी लता, ठीक है, ग्रेपवाइन संचार इत्यादि इसमें आते हैं। मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को एंट्रोपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जब मौखिक आपका संचार है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो उसको एंट्रोपी की संज्ञा देते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज होती है आपका रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार। जब कोई संदेश या सूचना प्राप्तकर्ता को लिखित रूप से प्रेषित की जाती है, उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। इस संचार का कार्यालय महत्व तो सर्वाधिक होता है, आप लोगों का सबसे ज्यादा यही होगा। इसके माध्यम से सूचना विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों को एक साथ संचारित की जा सकती। लिखित संचार के अभाव में कोई भी व्यापार, वाणिज्य अथवा संगठन का संचालन संभव ही नहीं है। लिखित अगर इसमें हम बात करें तो कोई भी आपकी चीजें संभव बनती ही नहीं है। संगठन है, ठीक है, व्यापार है, इन सभी में चीजें आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या बनती है? इन सभी में आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है रिटेन कम्युनिकेशन। आप अपने अधिकारियों से, जब आपके विभाग में, जिस विभाग में आप पदस्थ होंगे, वहां ऊपर से आपको संदेश आता है, ठीक है, कि फला फला चीजें होनी है। अब आपने अब एक फिर से अपना जो है पत्र तैयार कराया, अपना आदेश तैयार कराया, और आपके निचले जितने भी विभाग आते हैं सब जगहों पर एक जगह से भिजवा दिया, ठीक है, तो वहां पर अब एक साथ कई जगहों पर गई, लेकिन रिटर्न होनी चाहिए। हर एक चीजें हम रिटर्न लेकर चलते हैं, फोन से कोई चीजें नहीं होती, यहां पर जो कुछ होगा आपका रिटर्न होता है।
एक पत्र के माध्यम से ही सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। इस संचार के माध्यम से संदेशों के अभिलेखों यानी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है, इससे हम पूरे के पूरे आपके जो रिटन कम्युनिकेशन है, इसके द्वारा हम संचार को एक जगह पर रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो रिटन आपका कम्युनिकेशन होता है, इसके कौन कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से फॉर्म में हमें रिटन कम्युनिकेशन मिलता है। रिटन कम्युनिकेशन के बहुत से रूप हैं, जैसे प्रतिवेदन हो गया, रिपोर्ट हो गई, बुलेटिन कोई आता है वो भी इसी में आता है, परिपत्र हो गया या कार्यालय आदेश होगा, सर्कुलर हो गया या ऑफिस ऑर्डर हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गई, ये भी आपका होता है, ठीक है। यहां पर भी तो आप चैटिंग करते हैं, तो चैटिंग के माध्यम से फेसबुक पर कोई विचार अभिव्यक्ति कर रहे तो वहां आप लिखकर ही तो डालते हैं, तो ये सारी चीजें आपके किसके अंतर्गत है, ये रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। और या फिर आपका कोई नोटिस हो गया, विभाग में आपने नोटिस चस्पा करवाया, नोटिस निकलवा दिया, तो वहां पर चीजें हो गई, ठीक है। फैक्स हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत हैं, ये सभी के सभी आपके रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। अगली चीज जब हम इसमें बात करते हैं, अशाब्दिक संचार या अवाचिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहली चीज, जो अशाब्दिक संचार होते हैं, ये संचार का सबसे प्रभावी माध्यम। अब आप सोचोगे, जब हम बात संचार की कर रहे हैं, संप्रेषण की कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि अशाब्दिक संचार सबसे प्रभावी माध्यम है, यानी जब तब हमें संचार की आवश्यकता क्या है? संचार की आवश्यकता है हमें अपनी भावनाएं प्रकट करने की आवश्यकता है, माध्यम हमें एक होना चाहिए। अब उसमें माध्यम आपके मुह मुद्राएं बन जाए या चक्षु बन जाए, ये उन सबसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे विचार तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, सबसे महत्वपूर्ण आपका यह बनता है। अब इसमें समझिए क्या होता है अशाब्दिक संचार या अवाचिक संचार। जिस संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहार या संकेत यानी शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति, ठीक है, अब जो है आवाज का उतार चढ़ाव का उपयोग करता है, ऐसे संचार को अशाब्दिक संचार कहते हैं। अशाब्दिक संचार में चेहरे की अभिव्यक्ति, ठीक है, किसी ने कुछ कहा, ठीक है, किसी ने, मान लीजिए घर में छोटे बच्चे होंगे, वो रूठे बैठे, आप पूछोगे उनसे, उनका आप चेहरा देखिए आप समझ जाएंगे, बिना बोले ही वो बात को बता देते हैं, ठीक है, मुंह फुलाए बैठे हैं, गुस्से में एकदम लाल हैं, आपने कहा जो है आओ तुम्हें ये ले चलते हैं, आओ तुम्हें ये खिलाते हैं, तो ऐसे घूर के देखेंगे, ठीक है। अब घूर के देख रहे आप समझ जाओ तुम पर गुस्सा है, ठीक है, मुंह फुलाए मतलब कोई और बात है, आप किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई कह रहा, अब मैंने बताया ना कि आप ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ऐसे गाल पर हाथ रख के बैठे हैं तो इसका मतलब यही जाता है कि कुछ सोच रहे हो, ठीक है। आप ऐसे नाक पकड़ के खुजला रहे हो, तो नाक पकड़ के जब आप लगातार सहला रहे हो नाक, तो इसका मतलब तुम किसी समस्या के समाधान पर बात कर रहे हो। आप बीच बीच में ऐसे नाक छू रहे हो, यार क्या होगा, अब इसका मतलब तुम परेशान हो। अगर आप देखिए ना, आप स्वयं पर बिहेवियर पर देखिए, आप किसी चीज में देखते हो यार क्या होगा, इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए, अब आप बार बीच बीच में नाक, आप लगातार नाक टच कर रहे हो तब आप समाधान पर जा रहे हो अब लगातार, लेकिन जब आप परेशानी में होते हो तो बीच बीच में यार क्या बताएं कुछ समझ में नहीं यार, इस तरीके की करते हैं। तो ये सब भी चीजें किसमें है? ये सब अशाब्दिक हैं, जहां आप अपने मुख मुद्रिकाओं का प्रयोग करके अपनी बात को अभिव्यक्ति कर ले जाते हैं, दर्शा ले जाते हैं, वहां पर चीजें आती हैं, ठीक है। और ये जो होता अशाब्दिक संचार, पूछता है कि कौन सा संचार का सबसे प्रभावी तरीका होता है, तो संचार का सबसे प्रभावी तरीका अशाब्दिक संचार होता है, जहां हम अपनी जो है अभिव्यक्ति किसके माध्यम से, अपने मौखिक या चेहरे के मुद्राओं के माध्यम से, चक्षुओं के माध्यम से, आंखें हम तरे रहे किसी पर मतलब गुस्सा है, ठीक है, किसी से कोई चीजें कहने है, झूठ बुलवाना है, तो हमने एक आंख दबा दी, ठीक है, एक आंख मार ली, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो चीजें कहां पर जाती हैं, वो चीजें आपकी इसी संचार के अध्ययन, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका, तुरंत वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, वहां तक उस व्यक्ति तक तुरंत वो हमारा तरीका पहुंच गया, और इसीलिए इसको सबसे प्रभावी। अब भाई आप लेटर लिख रहे हो, तो लेटर लिखोगे एक से दो आपके विभाग तक पहुंचा, विभाग में रिसीव हुआ, समझा गया, उधर से फीडबैक भेजा गया, ठीक है, या निचले उसमें आदेश जाने तो सभी में निचले में आदेश गया, तो इसमें समय मिलता है। लेकिन जो आपका ये तरीका होता ना, इसमें तुरंत जवाब, जैसे हम बात कर रहे थे इंटरपर्सनल स्किल में, इंटरपर्सनल स्किल क्यों आपकी सबसे प्रभावी मानी गई, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल में आपका जो सामने का बंदा होगा वो जैसे ही आपके संदेश को प्राप्त करता है वैसे ही तुरंत फीडबैक देता है। यहां पर भी चीजें क्या है, यहां पर भी फीडबैक आपको मिलने लगता है, हम तो उसी के पार्ट को पढ़ रहे ना, हम तो पार्ट उसी का पढ़ रहे ना,
इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत, इंट्रापर्सनल तो दूसरी चीजें थी, हम इंटरपर्सनल स्किल के अंतर्गत बात करें तो इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव-भाव से भी अधिक होती है। शारीरिक हाव-भाव, ठीक है, किसी ने कहा क्या है, आपने कह दिया, हम जो है बॉडी लैंग्वेज करते हैं, ठीक है, आप परेशान है, कोई बहुत दुखी होता है, अब वो क्या कर रहा, ठीक है, ऐसे छाती पर हाथ रख रहा है, छाती पर हाथ ऐसे कर रहा, हाय हाय, ठीक है, ये भी तो एक आपका बॉडी का ही एक पार्ट है, ठीक है, कोई हाय हाय कर रहा, सीने पर हाथ पीट रहा, तो आप देखकर समझ जाओगे यार ये बहुत ज्यादा दुखी है। तो यहां पर जो चीजें हो रही हैं, ये हाव-भाव से भी आपका क्या होता है, शारीरिक हाव-भाव से भी इसकी प्रभाविता ज्यादा होती है, ठीक है, किसकी, जब हम अपने मौखिक सारे जो हमारे मुख मुद्राएं हैं उनके प्रयोग के तौर पर जब हम किसी चीज को अभिव्यक्ति करते हैं। अगली चीज जब हम इसमें बात करते हैं, जैसे यहां से आईएएस के आपके सीसेट के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं, प्रमुख आपके शारीरिक संबंधी भाव भंगिमाएं और उनका अर्थ क्या क्या होता है, आपके बॉडी के जेस्टर्स क्या होंगे, उनका मतलब क्या होता है। देखो जैसे पलक आप उठा रहे हो किसी पर, ठीक है, किसी ने कुछ पूछा आप ऐसे बैठे हो, किसी ने कुछ पूछा आप ऐसे एकदम आंखें तान रहे हो, तो जब आप आंखें तान रहे हो, पलक उठा रहे हो, तो इसका मतलब आप गुस्सा है या उस पर अविश्वास भी प्रकट करते हैं, तब भी पलक उठाते, अच्छा ऐसा कब से हो गया, तो आप ऐसे कर रहे हो ना, पलक उठा रहे हो, तो ये चीजें गुस्सा और अविश्वास को दर्शाती है। अगली चीज आगे झुकना, अगर आप किसी चीज पर जो है आगे झुक गए, ठीक है, कोई कहा लाइए तो आप आगे बढ़ गए, तो वो एकाग्रता को दर्शाता है, कंसंट्रेशन को दर्शा रहा, एकाग्रता को प्रदर्शित करता है आगे झुकना, पीछे झुकना, ठीक है, पीछे आप झुक गए, कोई व्यक्ति आपसे सामने आ गया मिलने के लिए, आप ऐसे खड़े हैं, तो आप में वो चीजें क्या दिखा रही, आप में आत्मविश्वास बहुत ज्यादा दिखा रहा, आप में वो चीजें क्या दिखा रही, अत्यधिक आत्मविश्वास, बंदा एकदम ऐसे तना खड़ा हुआ है, पीछे ऐसा झुका हुआ, ठीक है, तो ये अत्यधिक आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता, नाग रगड़ना, ठीक है, मैंने बताया लगातार नाग रगड़ रहे, बहुत बड़ी समस्या है यार, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं, तो नाग रगड़ना उलझन को दर्शाता है। साथ ही साथ आंख मारना अंतर्गत, ठीक है, आंख मारना किसी चीज को, वहां जो है अब कोई बातचीत चल रही उसी में आपने सामने वाले दोस्त को कह दिया कि अच्छा मैंने बताया था कल पापा से कि तुम्हारे घर पर थे, ठीक है, अब मान लीजिए दोस्त से कहना भूल गए, दोस्त घर पे आ गया, तो जब पापा पूछेंगे आपके कि कल ये तुम्हारे घर पर था, आप दोस्त मुंह देखेगा आपका, तो आप बोल देते हैं सीधा, मतलब आंख मार दिया, वो समझ गया, वो बोल देता हाँ मेरे साथ था, तो ये चीजें होती है, मतलब एक दूसरे में अंदर अंदर, ठीक है। माथा पीटना, भूल गए, हाय इस चीज को मैं गलत कराया, जैसे आप परीक्षा में करते हो, हाय इतने छोटे से सवाल को गलत कराया, भूल गए, तो ये माथा पीटना क्या दर्शाता, भूलने को। शिथिल मुद्रा में आप खड़े हैं, ठीक है, आप शिथिल मुद्रा में खड़े हैं, ठीक है, अब शिथिल मुद्रा में आप खड़े एकदम आराम से, तो मतलब आप बातचीत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये किसको दर्शा रहा, कि वार्तालाप को दर्शाता है। छाती पर बांह फंसाना, ठीक है, ठीक है, छाती पर बांह फंसाना, हमको कोई बचा लो भैया, हमको कोई बचा लो, ऐसे फंसा नहीं लेते हैं, ठीक है, हमको बचा लो भैया, ये मार डालेंगे, तो वो ये चीजें क्या है, ये बचाव की मुद्रा को दर्शाता है। उसके बाद चश्मा उतार कर रख देना, ठीक है, किसी से आप बात कर रहे हो, उसने ऐसे चश्मा रखा, मतलब वो आपको सुनना नहीं चाह रहा, तो ये भी एक भाव भंगिमा है। आंखें सिकोड़ना, ठीक है, किसी ने कहा तुम ये मेरा काम कर दोगे, अब कहते ऐसे आंखें कर लिया आपने, ठीक है, आंखें सिकोड़ ली, मतलब तुम आज स्वीकृति दे रहे हो, नहीं करूंगा, ठीक है, वो चीजें। उसके बाद गले के पीछे एक हाथ रखना, किसी ने कहा यार तुम मेरे साथ वहां चलते हो, तो कहते यार क्या बताए, काम बहुत था, अब गले के पीछे आप हाथ रख रहे हो, तो ये चीजें क्या दर्शा रही, तुम असहमत दे रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता था लेकिन यार मुझे वहां जाना है, तो तुम समझ जाना अब आगे से कि वो बंदा मना कर रहा है, असहमत है उसकी, ठीक है। गाल पर हाथ रखना, अब आप गाल पर हाथ रख रहे हो, तो मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे हो, डीपली सोच रहे हो, तो ये हमारी भाव भंगिमाएं होती हैं जिसके द्वारा क्या होता है, प्रदर्शन होता है, किसी हमारे संचार के अंतर्गत है। अब ये सब वर्ड में नहीं है, कोई भी आपका शाब्दिक तौर पर नहीं है, फिर भी हर एक चीजें आ रही, फिर भी हर एक चीजें स्पष्ट हो रही हमें, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका माना जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे आगे बात करता हूं, जैसे कोई जमाई ले रहा है, तो जमाई ले रहा मतलब वो ऊब चुका है यार तुमसे, आप उससे बात कर रहे हो वो जमाई ले रहा बाद में, ठीक है। त्योरी चढ़ाना, आंखें एकदम, ठीक है, आंखें, अच्छा तो तुम करोगे, उसकी त्योरियां चढ़ गई, तो ये चीजें क्या है, वो तुमसे चिढ़ गया है। नाक को थोड़ा छूना और रगड़ना, ये असंकृति है, शंका, यार कुछ तो दाल में काला है, दाल में कुछ काला, तो आप नाक को छू रहे हो, रगड़ रहे हो, तो ये चीजें क्या दर्शाती है, आप किसी पर शंका कर रहे हो, ठीक है।
जेब में हाथ डालकर चलना, जेब में हाथ डाल के चलना कई लोगों को आप देखते हो, लेकिन ये जो जेब में हाथ डाल के चलना होता है, ये चीजें होती हैं जब व्यक्ति उदास होता है, उदासी का प्रतीक होती है वो जेब में हाथ डाल के जा रहा है, मस्ती से मगन से ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये जेब में ये उदासी का द्योतक होती है। अब हम आपसे आगे बात करते हैं समूह संचार ग्रुप कम्युनिकेशन की। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपका तीसरा संचार का तीसरा भेद होता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे इंट्रापर्सनल, हमने बात किया इंटरपर्सनल को पढ़ा, इंटरपर्सनल के अंतर्गत हमने पढ़ा शाब्दिक और अशाब्दिक में, ठीक है कौन सी चीजें कैसे आती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार में जब हम देखते हैं ये संचार अंतर्वैयक्तिक संचार का ही एक विस्तृत रूप है। भाई अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, अंतर्वैयक्तिक संचार में दो लोग मिनिमम होने चाहिए, जहां हम अपनी बात को कहते हैं दूसरा सुनता है, दूसरा सुनने के बाद फीडबैक देता है, तो अंतर्वैयक्तिक संचार का ही एक रूप ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें दो से ज्यादा लोग हैं, बात तो इसमें वही चीज आई, इसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं, और जब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी कार्य शिविर सार्वजनिक व्याख्यान या सभाओं आदि में विचार का क्या किया जाए, जो है वहां पर प्रेषण किया जाता है, तो इन सभी चीजों को हम लोग ग्रुप कम्युनिकेशन के तौर पर जानते हैं। इसको किसके तौर पर जानते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन के तौर पर जानते हैं, जब आपका विचार राष्ट्रीय स्तर पर है या क्षेत्रीय स्तर पर है, ठीक है वहां पर। इस संचार में दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य है, दो से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी अनिवार्य ही होती है ऐसे जो है उसमें संचार में, ठीक है जो कि ग्रुप संचार होता है। और इस संचार में शोर नॉइज की समस्या के कारण प्रतिपुष्ट फीडबैक अंतर्वैयक्तिक संचार के मुकाबले धीमा और व्यवधान पूर्वक होता है। आप नेताजी हैं, ठीक है आप नेताजी किसी से अपने विचार सारी चीजें किए, अब अपनी विचार आपकी विचार को कोई वहां तक पीछे वाला सुना कि नहीं सुना उसको क्या मतलब, वो सुन पाया कि नहीं सुन पाया, नेताजी की रैली में गए थे नेताजी ने क्या बोला, अरे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था हम जहां बैठे थे। अब इस तरीके के आपके संचार में जो फीडबैक होता है, फीडबैक आपका बहुत देर बाद या हो सकता मिले ही ना, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन अंतर्वैयक्तिक में क्या हो रहा था, फीडबैक तुरंत मिल रहा था, सबसे तेजी से फीडबैक आपको अंतर्वैयक्तिक संचार में मिलता है, ठीक है। मैकाइवर एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, पेज, इन दोनों साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ जिनका सामाजिक संबंध होता है उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे समूह को, हम ऐसे लोगों के झुंड को समूह की संज्ञा देते हैं। ऑर्गनियम जो है निमकोफ, ये दोनों भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या परिभाषित किया, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ हो मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है तो वो एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, इन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया है। सामूहिक वाद विवाद नाट्यशालाओं में सामूहिक अवलोकन सिनेमा फोरम समूह संचार के उदाहरण है। जो आपका सिनेमा होता है यह क्या है, सिनेमा आपका समूह संचार के अंतर्गत होगा, ठीक है समूह संचार के अंतर्गत आता है ध्यान रखिएगा। अब समूह संचार को अगर देखें तो इसमें जो आपका प्रवाह होता है, जैसे वहां पर हम बात कर रहे थे संचार में कि इसका प्रवाह एक दिशा से होता है, एक दिशा होता है, समूह संचार में जो आपका स्रोत होगा, सोर्स होगा, उससे संदेश जाएगा, समूह श्रोता होगा वहां तक जाएगा, सुनेगा, उन पर प्रभाव मिलेगा, फिर वो प्रतिपुष्ट अपना फीडबैक देंगे श्रोता को, स्रोत को, तो ये चीजें आपकी ऐसे इसी अनुसार चलती रहती है। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं चौथे संचार का चौथा तरीका जिसको आप मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब आपका मीडिया भी होता है, मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का मतलब आपका मीडिया भी होता है। मास कम्युनिकेशन के अगर हम मतलब की बात करें तो मास कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, मीडिया भी होता है, इस चीज को भी आप लोग जानते हैं। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि जन संचार क्या है, जन संचार दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है जन, दूसरा है संचार। इन दोनों से अगर हम बात करें तो जन का मतलब होता है मनुष्यों का समूह और संचार का मतलब है फैलाना, अपने विचारों को मनुष्यों के समूह में फैलाना ही आपका जन संचार कहलाना, अपने विचार को मनुष्यों के जो है समूह में फैलाना ही क्या है, जन संचार है। जब किस हम किसी भाव या विचार या जानकारी को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं या फैलाते हैं, तो यह प्रक्रिया संचार कहलाती है। जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन वही तो हुआ, संप्रेषण यही तो मतलब हुआ, अतः विचारों के आदान प्रदान की सामूहिक प्रक्रिया जन संचार कहलाएगी। क्या कहलाती है, जन संचार।
डीएस मेहता के अनुसार जनसंचार का अर्थ है विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना। विचार और मनोरंजन का प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। क्या कहलाएगा? जनसंचार कहलाएगा। और इसमें जब हम आगे बात करेंगे, अभी अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। इसी के अंतर्गत एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जॉर्ज ए मिलर साहब, इन्होंने क्या कहा कि जनसंचार अर्थ सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। जनसंचार का इन्होंने जो परिभाषा दी, इन्होंने क्या कहा, जनसंचार संचार इसीलिए होते हैं, इसका तात्पर्य यही होता है कि एक सूचना को दूसरे सूचना स्थान तक पहुंचाना, यही है जनसंचार, कम्युनिकेशन। संचार प्रक्रिया में जनसंचार प्रक्रिया ही सबसे अधिक व्यापक एवं प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, संचार प्रक्रिया में अगर देखें कि सबसे अधिक जो है व्यापक कौन है और प्रभावी कौन है, तो वो जनसंचार प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में संप्रेषक एक ही जगह से अधिकाधिक श्रोताओं से संचार कर सकता है। जैसे मैं YouTube पर हूं, अब मेरे आप इस व्याख्यान को बहुत सारे लोग देखेंगे, मेरे इस व्याख्यान को बहुत सारे लोग देखेंगे, तो एक ही जगह से मैंने अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दी। तो यहां से जनसंचार का जो ये आपका तरीका होता है, यह सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यहां श्रोता एक ही जगह से अपनी बात को बहुत जगह तक पहुंचा देता है। ठीक है, और विभिन्न माध्यमों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कर सकता है, फीडबैक भी मिल जाएगा। आप लोग जैसे लेक्चर के लास्ट में कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आ गया, सर अच्छा रहा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, तो मुझे फीडबैक भी मिल गया, मुझे यहाँ फीडबैक भी मिल गया। जैसे आप कोई गाना देखते हैं, कोई कुछ और देख रहे हैं, वहां लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो चीजें आपकी क्या होती है, यहां से भी तो प्रतिपुष्टि मिल रही, फीडबैक तो मिलता है। तो ये चीजें आपकी इसके जो है मास कम्युनिकेशन में चलती रहती है। संचार की प्रक्रिया में अनेक जनसंचार के माध्यम अत्यंत प्रभावी रूप से अपना कार्य करते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, दूरभाष टेलीफोन हो गया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल आदि जनसंचार माध्यम के अंतर्गत है। ये सभी के सभी किस में है? जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन प्राप्तकर्ता की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है, वो क्या चीजें चयन कर रहा, चयनात्मक अवबोधन क्या चीजें आप बता रहे हो वो समझ कैसे रहा है, ये चीजें किस पर आती है, ये रिसीवर पर डिपेंड होती है। आप कहना क्या चाह रहे हो वो समझ के अनुरूप रहा है, ये सारी चीजें किस में आती है, ये रिसीवर पर डिपेंड है। अनुरूप जनसंचार की कहानियां, ठीक है, अस्थैतिक होती है, और जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन निगरानी रूप में किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल की। अभी तक हमने बात किया इंटरपर्सनल इफिशियंसी। इंटरपर्सनल एफिशिएंसी तभी डेवलप होती है जब आपके अंदर कम्युनिकेशन बेहतर होगा। फिर हमने बात किया कम्युनिकेशन के फॉर्म पर कितने तरीके के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे मुख्य तौर पर इंटरपर्सनल स्किल की। इंटरपर्सनल स्किल में हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो चीजें आती हैं, जब आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल डेवलप जो है होगी, वो चीजें कहां से आएंगी, वो चीजें जब आएंगी, जब आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, जब आप में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, और कम्युनिकेशन में जब तक आप में इंट्रापर्सनल स्किल नहीं आएगी, यानी अंतावैयक्तिक। अंतावैयक्तिक क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति में अगर नैतिक मूल्य की बात की जाए तो व्यक्ति में नैतिक मूल्य अंतावैयक्तिक संचार से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि वो किसी मुद्दे पर जो है अपने अंदर ही सोचता रहता है। इंटरपर्सनल स्किल भी जरूरी होती है, मास कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं जैसे आपके अगले जो दो पॉइंट दिए हैं, एक दिया है नेतृत्व क्षमता और दूसरा दिया है जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दोनों चीजें कहां से निकलेंगी, नेतृत्व क्षमता आप में कैसे डेवलप होगी, और आपके अंदर किसी समस्या को समाधान करने की चीजें कहां से आएंगी, वो चीजें आपको बताती है आपके अंदर अंतर्वैयक्तिक कौशल कैसे आएगा, उसके अंतर्गत ये दोनों टॉपिक आते हैं। अब इनको समझते हैं। जब हम बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल की, देखो दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कौशल को पारस्परिक कौशल या अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं। आप दूसरे के साथ कैसे बातचीत कर रहे हैं, आपको अपना काम कैसे करवाना है, वो आपकी बातचीत पर निर्भर करता है। ठीक है, वो आपकी बातचीत पर निर्भर करता है, यही तो चीजें हैं। अब आप किसी से जो है ऐसी बात करें कि आपको पानी पीना है, अब आप पानी पीने के लिए पहुंचे और किसी से कह रहे ए चल ला पानी दे, तो पानी भले ही तुम पैसा दे रहे हो, भले तुम 20 रुपए की जगह 30 दो, तुमको पानी देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, हमेशा आपको जब भी देखेंगे अंतर्वैयक्तिक की, जब हम बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता की, ठीक है, तो वहां पर चीजें जो निकल के आती है अंतर्वैयक्तिक क्षमता में, अंतर्वैयक्तिक क्षमता में मुख्य तौर पर आपके अंदर एक ही चीज की ओर प्रयास किया जाता कि आप में इंटरपर्सनल स्किल डेवलप हो।
आपके अंदर अंतःव्यक्तिक कौशल जो है विकसित हो, और अंतःव्यक्तिक कौशल से ही हम निर्णयन पर बढ़ सकते हैं और समस्या समाधान पर बढ़ेंगे। क्योंकि निर्णयन बात तभी आती है, तर्कशीलता आप में तभी देखी जाएगी जब आपके सामने कोई समस्या होगी और उस समस्या का चिंतन मनन आप करेंगे, तभी तो आप निर्णयन की ओर बढ़ेंगे। तो वही चीजें यहां पर आती हैं। अंतर्व्यक्तिक कौशल प्रायः प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में शामिल होता है, जिसकी सहायता से वह दूसरों से अंतःक्रिया करता रहता है। अंतर्व्यक्तिक कुशलता के लिए व्यक्ति के व्यवहार में निम्नलिखित तत्वों का शामिल होना आवश्यक है। क्या चीज है? सबसे पहली स्किल आपके अंदर होनी चाहिए लिसनिंग। कहते नहीं, अगर अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना सीखो। तो सबसे पहली चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए? अगर आपको अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल अच्छी कर रही है तो सबसे पहली चीज आपको डालनी है, वो चीज है आपको एक श्रवण कौशल बहुत बेहतर होना चाहिए। आपकी जो लिसनिंग आपकी स्किल है ये सबसे बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पहले आप सीखिए, पहले आप सुनना सीखो किसी को, तब आप क्या कर पाएंगे, तब आप में एक अच्छे वक्ता की चीजें आएंगी। ठीक है, कहा गया है कि व्यक्ति को अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। एक अच्छा श्रोता वो होता है जो दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने एवं समझने के बाद कोई प्रतिक्रिया या परिणाम देता है। अच्छा वक्ता उसी को बोलते हैं अच्छा श्रोता, कि आप दूसरे की बात को सुने, समझ गए, फिर परिणाम दिए, फिर अपना रिजल्ट दिए, फीडबैक दिए, तो वो एक अच्छा श्रोता कहलाता है। दूसरी चीज, अस्पष्ट संचार होना चाहिए। ठीक है, अस्पष्ट संचार की जलेबी जैसे बातें ना करनी आनी चाहिए, कि किसी मुद्दे को कहना है बार बार घुमा घुमा के कह रहे हो। संचार की आपकी एक चीजें यह भी होती है, अस्पष्ट संचार होना चाहिए। यानी अंतर्व्यक्तिक कुशलता हासिल करने के लिए आवश्यक है कि अपनी बातों को दूसरे के सामने निश्चित तर्कों के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ रखा जाए। वहां पर चीजें जो कुछ कहनी है स्पष्ट कहनी है। ठीक है, जो कुछ बोलना है वो चीजें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, वहां पर क्लियर होनी चाहिए। अगली चीज, कुछ व्यक्तियों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बातों को लोग महत्व नहीं देते। तीसरा होता है प्रभावशाली व्यक्तित्व। ठीक है, इंप्रेसिव पर्सनालिटी। दूसरों से बातचीत के दौरान चेहरे का हाव भाव, ठीक है, यानी जो भाव भंगिमा होती है, शारीरिक मुद्रा, अच्छी आदतें आदि प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ इशारा करिए। आप किससे मिल रहे हो, कैसे खुश होकर मिल रहे हो, और भाई कैसे हैं, ठीक है, हाथ मिला के बढ़ाए, सब बढ़िया है। ठीक है, अब ये चीजें जो होती हैं, अब ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अब आप किसी से मिल रहे हो, और भैया क्या हालचाल, अब मतलब तुम शरीर से ही रोने लगे, तुम्हारी जो चीजें हैबिट जैसी हैं। ठीक है, तो ये चीजें सब असर डालती हैं, आपके बातचीत पर असर डालती हैं, जो कि अंतर्व्यक्तिक कुशलता के लिए एक आवश्यक तत्व है। अगली चीज आती है समस्या समाधान कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अंतर्व्यक्तिक जो कौशल है, इंटरपर्सनल जो आपकी स्किल है, इसके अंतर्गत आने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समस्या को ध्यान से सुनने समझने के बाद किसी निर्णय या फैसले पर पहुंचना। समस्या आप पहले सुनिए, तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, जैसे समस्या देखे बस सरक लिए, अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। समस्या आप देखिए, समझिए, उसके बाद किसी निर्णय पर आइए। देखकर ही तुरंत मैदान छोड़कर भागना उचित तो है नहीं। ठीक, तो यहां पर जो चीजें आती हैं, जब हम समस्या समाधान की ओर बात करते हैं, तो सबसे पहले समस्या सुनिए, है क्या दिक्कत, समझिए किया क्या जा सकता है, हल क्या होना चाहिए, फिर आप किसी निष्कर्ष पर बढ़िए। ठीक है, तब तो आप निष्कर्ष पर बढ़ेंगे, और ये एक अच्छे अंतर्व्यक्तिक कौशल की निशानी है। आपके अंदर एक अच्छी अंतर्व्यक्तिक कौशल आपके तभी मानी जाएगी जब आप में ये चीजें क्या होंगी, सबसे बेहतर ढंग से होंगी, जब आप किसी निर्णय किसी समस्या के समाधान की ओर किस अनुसार बढ़ रहे हैं। ठीक है, पता चले कि समस्या कोई है, बस गांव में किसी से थोड़ा सा विवाद हुआ, क्या आओ निपटा देते हैं, ये नहीं देख रहे कि क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे हल ढूंढना, आओ निपटा देते हैं, जो होगा बाद में देखा जाए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्याओं का विश्लेषण कर प्रभावी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमेशा आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ओपिनियन आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी संगठन में कार्य करने वाले लोगों में आपसी असहमति है या गुटबंदी जैसा माहौल निर्मित हो रहा, तो एक प्रभावी मध्यस्थ बनकर समस्या का समाधान या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। अंतर्व्यक्तिक कौशल के क्या क्या असंभव है, इंटरपर्सनल आपकी जो स्किल है इसके क्या क्या पिलर्स होते हैं। ठीक है, देखो इसके प्रमुख अंग निम्न माने जाते हैं। एक तो सबसे पहली चीज आती है कि आप स्वयं को समझो भैया, सबसे पहले तुम स्वयं को समझो, दूसरे के समझने से पहले आप स्वयं को समझिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके अधिकतर व्यवहार स्वाभाविक होते हैं, और अधिकतर लोगों को इस बात का ज्ञान भी नहीं है। अब भैया कोई बंदा पहुंचा, अब किसी ने आपसे
किसी दूसरे लहजे में बात कर ली, अब आप गुस्सा हो जाओ, पता चले वो उसका हैबिचुअल हो। तो इसीलिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आप स्वयं को समझिए। और अधिकतर लोगों को इस बात का ज्ञान भी नहीं होता कि वह यह सोच सके कि हमारे इन व्यवहारों का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कई लोगों को यह चीज पता नहीं चलती है कि आप जैसा रिएक्ट दूसरे के साथ कर रहे वैसी चीजें उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ क्या रहा। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले डेवलप करनी चाहिए। आत्म जागरूकता के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के निजी मूल्यों को समझकर भारतीय संविधान के मूल्यों और लक्ष्यों से खुद को संबद्ध कर पाता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है अन्य को समझना। पहले खुद को समझ लो, फिर दूसरे को समझो। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, अगर इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करनी है तो पहले खुद को समझो। ठीक है, कि मेरे इस व्यवहार से दूसरे पर क्या होगा, उसके बाद दूसरे को समझो। वहां पर चीजें क्या महत्वपूर्ण बनती है कि दूसरे को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उनकी भाषा और संस्कृति का ज्ञान हो। एक अंतर्वैयक्तिक कौशल संपन्न व्यक्ति में भाषिक संचार के साथ साथ अभाषिक संचार को भी समझ विकसित हो जाती है। और किसी संगठन में मिलजुल कर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि लोग एक दूसरे को समझें और परस्पर सहयोग की भावना रखें। यह चीजें किसमें आती है, एक संगठन में आती है। ठीक है, अगली चीज क्या बनती है, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप एबिलिटी आप में होनी चाहिए। यानी नेतृत्व क्षमता अंतर्वैयक्तिक कौशल के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नेतृत्व क्षमता से संपन्न व्यक्ति के पास प्रभावी संचार कौशल होता है, जिसके माध्यम से वह अपने द्वारा कही गई बातों का असर अन्य पर छोड़ जाता है। किसी संगठन या समूह में लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए लोक सेवकों, ठीक है, में नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। और नेतृत्व कौशल संपन्न व्यक्ति अपने संगठन या समाज के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणा जो है दायक की भूमिका का निर्वहन करता है। जो नेतृत्व करता होगा इसके पास भाषा पर अच्छी पकड़ व दूसरे को प्रभावित करने की योग्यता होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर यह चीजें होनी ही होनी चाहिए। यह सबसे आपका जरूरी होता है, सबसे आपका मुख्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण आपका किसमें होता है। यह चीजें आती हैं आपके एक नेतृत्व के परिणाम की ओर बढ़ने। एक नेता निर्णय एवं परिणाम दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से अपने विवेक से श्रेष्ठ विकल्प चुनने के पश्चात, ठीक है, प्राप्त परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों की स्थितियों में प्राप्त परिणामों का उत्तरदायित्व नेतृत्वकर्ता का ही होता है। वो चीजें जो डिसाइड कर रहा, जो डिसीजन ले रहा, वो सारी रिजल्ट किस पर जाती है, नेतृत्वकर्ता पर ही जाती है। उसका परिणाम प्लस गया या उसका परिणाम माइनस गया, ये सब कुछ किसमें, ये सारी चीजें नेतृत्वकर्ता पर ही आती है। किसी समूह में कार्य कर रहे लोगों के लिए नेतृत्वकर्ता कार्य अधिकार एवं उत्तरदायित्व का विवरण भी करता है, वितरण भी करता है। और विपरीत परिस्थितियां या सकारात्मक परिणाम प्राप्त न होने पर भी एक नेता का व्यवहार शांत प्रसन्नचित एवं सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान कौशल, आइए इस पर बात करते हैं। ये आपके टॉपिक में चौथा बिंदु दिया है, समस्या समाधान कौशल कब आप में आएगा। समस्या समाधान कौशल वह कौशल है जो लोगों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में, जब आपने सोच नहीं रखा है ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन में, ठीक है, या काम पर कठिन चुनौतियों को संभालने में सक्षम बनाते हैं। समस्या समाधान कार्यस्थल पर और व्यक्तिगत स्थितियों में एक आवश्यक कौशल है। समस्या समाधान और निर्णयन निकटता से संबंधित कौशल है। और निर्णय लेना, हल करना अस्पष्ट लग सकता, लेकिन अक्सर अधिक विचार और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें विचार और आपके अन्य चीजें जो होनी चाहिए इसमें वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। किसी चीज पर निर्णय करना कोई आसान नहीं होता है। साथ ही साथ समस्या समाधान की क्षमताएं वह कौशल हैं जो व्यक्तियों को कुशलता से और प्रभावी ढंग से मुद्दों का समाधान खोजने की अनुमति देते हैं। इन कौशल में निम्नलिखित शामिल है। पहली चीज, जब आपको समस्या समाधान करना है तो सबसे पहली चीज आपको सक्रिय होकर सुनना चाहिए। आपको पता तो चले कि प्रॉब्लम है क्या रियल चीज में, सक्रिय होकर सुनना पहली चीज। दूसरी चीज, विश्लेषण करना, सुनने के बाद उन पर अनुसंधान होने चाहिए, कुछ रिसर्च करिए, सृजनात्मक होने चाहिए। ठीक है, कुछ आप आपने अंदर ऐसी चीजें रखिए कि भाई अगर हम इन पर जो है कुछ निर्णय लेने जा रहे, रिसर्च आप करोगे तो रिसर्च करने के बाद एक अपना फिगर आउट करते हो ना। ठीक है, कोई ना कोई आप जो है उस समस्या के समाधान के लिए कोई ना कोई अपने अंदर आप खाका खींचते हैं, ऐसे ऐसे काम किया जाए तो बात बन सकती। संचार होना चाहिए, ठीक है,
समय प्रबंधन होना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और समूह निर्माण करना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें किस में आती हैं, समस्या समाधान में आपकी जरूरी होती हैं। समस्या समाधान एक संगठित तरीके से अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त तरीकों का उपयोग करने की एक क्षमता है। क्या होती है? एक क्षमता, एक स्किल है समस्या समाधान करने की। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है और मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति से संबंधित है, जो बड़ी समस्या प्रक्रिया के उस भाग का निष्कर्ष निकालती है जिसमें समस्या का पता लगाना और समस्या को आकार देना है। समस्या पहले पता लगाइए है क्या, उसके बाद फिर उसके जो है सॉल्विंग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोनों चीजें यहां पर बहुत जरूरी होती हैं, ध्यान रखिएगा। या दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि विश्लेषणात्मक मस्तिष्क और दृढ़ता समस्याओं पर काबू पाने में मदद करती है। इसीलिए भैया ये समस्याग्रस्त स्थिति का विश्लेषण करने और उनके निपटाने में संसाधनों की पहचान करना दूर के शिक्षार्थियों की क्षमता में विश्वास को दोहराता, जिसके साथ वह समस्या को दूर कर सकते हैं। ठीक, अन्य चीजें इसमें क्या आती, जो विश्लेषणात्मक कौशल होता है हमें सरल और जटिल दोनों समस्याओं का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। दोनों चाहे जैसे हैं, सरल कोई समस्या है, छोटी सी समस्या, बड़ी समस्या, तो दोनों चीजों में ये आती है, इस बात को बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों चीजों में आपकी ये मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रभावी समस्या को हल करने के लिए विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक चिंतन के नियंत्रित मिश्रण की आवश्यकता होती है। आप में एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप किसी चीज को एनालाइज बहुत अच्छे से करिए और एनालाइज करने के बाद उसका क्या करिए, एक स्ट्रक्चर जो है उसके सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर दीजिए, क्या चीजें कैसे कैसे किया जाए। ठीक है, जब तक दोनों चीजें आपके अंदर नहीं आएंगे, दोनों का आपसे संबंध आप नहीं बनाएंगे, तब तक समस्या की ओर बढ़ेंगे नहीं। जैसे आप जानते हैं कि पढ़ाई को लेकर के ये चुनौतियां हैं, तो आप सबसे पहले देखिए ना कि इतने टाइम में हमें क्या रिविजन देना है। जैसे आप लोगों की इस समय लास्ट टाइम में रिविजन चल रहा होगा, तो रिविजन में आप फिक्स करते ना कि 3 दिन मुझे जो है 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में 3 दिन में जो है जीएस का ये पोर्शन खत्म करना, 2 दिन में ये खत्म करना, 1 दिन में ये खत्म करना, 2.5 दिन में ये खत्म कर देना। तो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर बनाते हो, बिना स्ट्रक्चर के आप समस्या के समाधान की ओर नहीं बढ़ सकते, तो स्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी है। ठीक है, इससे किसी समस्या को परिभाषित करने, समस्या के कारण को निर्धारित करने, समाधान के लिए विकल्पों की पहचान करने और चयन करने और समाधान लागू करने का कार्य पूरा का पूरा इस समस्या समाधान के अंतर्गत आता ही आता है। समस्या समाधान तर्क के साथ साथ कल्पना का उपयोग करना और स्थित का बोध कराना होता है। तर्क होना चाहिए भैया समस्या समाधान में, स्थित आपको पता होनी चाहिए, ऐसी नहीं तो अब पता चले तुम प्रॉब्लम कोई आई है और उसके अंदर कूद पड़े, अब ये ऐसा हो जाएगा, वहां आपने ग्राउंड वर्क नहीं किया तो चौपट हो जाएगा। इसीलिए ग्राउंड वर्क जरूरी होता है और इसीलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते कि समस्या समाधान कौशल मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये 4 आपके जो पॉइंट रहे, 4 पॉइंट पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कैसा आपको समझ में आया, क्या चीजें रही हैं, वो तो अभी आपने बताया, मैंने बताया ना कि फीडबैक बहुत जरूरी होता है, तो फीडबैक लास्ट में कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इसकी PDF आप सभी को उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे संबंधित जो सवाल हैं वो मैं सवाल एक दिन लेकर के आऊंगा, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं CSET वगैरह में, लोक सेवा आयोग की या अन्य आपके आयोगों में, तो उन पर भी एक दिन क्वेश्चन कर लेंगे, तो इससे ये चीजें आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है, अन्य जो आपके टॉपिक हैं उन पर भी धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।